क्या आपको पता है एक ऐसी मूवी है, अगर आप उसे देखोगे तो आपको उस मूवी को देखने में 10 दिन का समय लग जाएगा। क्या आपने कभी ट्रांसपेरेंट मछली को देखा है? इस वीडियो में आप ऐसे ही फैक्ट को जानोगे जिन्हें जानकर आप चकित रह जाएंगे। आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स हैं, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इन 118 एलिमेंट्स में से 75 एलिमेंट्स एक आईफोन में यूज होते हैं। आप ये कह सकते हो कि पीरियोडिक टेबल के आधे से भी ज़्यादा एलिमेंट्स एक आईफोन को बनाने में लग जाते हैं, तभी आईफोन इतना एक्सपेंसिव और यूनिक है। किसी भी देश के लिए उसके नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम होती है, और हम सभी नागरिक, हमारा समाज इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे देश के जवान 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा हमारी सेवा में रहता है। क्या आपको पता है लूटपाट डकैती की इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसके पास कोई आर्मी नहीं है? आइसलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास कोई आर्मी, पुलिस ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि वहाँ का क्राइम एवरेज रिपोर्ट 0% है। वास्तव में किसी भी देश का अस्तित्व उसके नागरिकों के हाथ में होता है। वहाँ कोई क्राइम नहीं होता। हम भारतीय व अन्य देशों को उनसे जरूर सीख लेनी चाहिए। मछली जल की रानी है, यह पोयम बचपन में हम सब ने पढ़ी, परंतु जिस मछली के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, असल में वह जल की मछली तो है परंतु पानी में आपको दिखाई नहीं देगी। लेप्टोसेफलस नाम की यह मछली ट्रांसपेरेंट मछली है, मतलब आप इससे आर पार देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यह मछली असल में ईल और मरीन ईल का फैट और ट्रांसपेरेंट लावा है। अब हम अगले फैक्ट में आपसे बात करते हैं एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है मॉडर्न टाइम्स फॉरएवर। यह फिल्म जगत के इतिहास में बनी सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। डेनिश लैंग्वेज में बनी यह फिल्म 240 घंटे की है। अगर आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको पूरे 10 दिन का समय लग जाएगा। इस मूवी में यह दर्शाया गया है कि कैसे हेल्सनिंग स्टोरा एनसो हेडक्वार्टर्स की जो बिल्डिंगें हैं वह अगले आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगी। क्या आप भी इस मूवी को देखने की इच्छा रखते हैं? क्या आपको पता है शहद के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और यह इतिहास से घावों को भरने में इस्तेमाल होता आया है। करीब 150 सालों से मधुमक्खियों के द्वारा इसका उत्पादन होता आ रहा है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खियां शहद को बनाने के लिए कितनी मेहनत करती हैं? एक मधुमक्खी औसतन अपनी पूरी लाइफ में मात्र 1/12 ऑफ टीस्पून यानी एक चम्मच का 12वां हिस्सा ही बना पाती है, और लगभग एक चम्मच शहद को बनाने के लिए मधुमक्खियों को 20 लाख फूलों का रस इकट्ठा करना पड़ता है। तो शहद को चेहरे पर लगाकर वेस्ट करने से पहले एक बार इस फैक्ट के बारे में जरूर सोचें। कोको कोला, यकीनन इस नाम से आप सभी परिचित होंगे, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है। इस सॉफ्ट ड्रिंक को द कोको कोला कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। आप में से कुछ लोग यह जरूर जानते होंगे कि कोको कोला की इन्वेंशन, उसकी डिस्कवरी गलती से हुई थी। असल में जॉन स्मिथ, जो कि कोको कोला के इन्वेंटर थे, वे पेशेंस मेडिसिन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, परंतु गलती से उन्होंने ऐसी ड्रिंक बना दी जो कि आज सभी की पसंदीदा है। बाद में इसे ऐसा ग्रिगस कैंडलर, जो कि उस समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने खरीद लिया और इसे एक नई पहचान दी। मैं आपको यह बता दूं कि कोको कोला बनाने का फॉर्मूला एक सीक्रेट ट्रेड फॉर्मूला है। कोको कोला कंपनी के वर्कर्स को भी यह अनुमति नहीं है कि वह इस फॉर्मूला को जान सकें। बॉबी लीच, जो कि कॉर्नवेल इंग्लैंड के नागरिक थे। बॉबी ने 25 जुलाई 1911 को नियाग्रा फॉल का दौरा किया, जो कि ये ऐसा करने वाले उस समय के दूसरे व्यक्ति थे। मैं आपको बता दूं कि नियाग्रा फॉल विश्व की सबसे खतरनाक वाटरफॉल में से एक है। अगर कोई व्यक्ति इसमें गलती से गिर जाए तो जाहिर सी बात है वह बच नहीं पाएगा। अपने इस खतरनाक एडवेंचर के दौरान बदकिस्मती से बॉबी नियाग्रा फॉल में गिर गए, परंतु हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह ठीक ठाक इस फॉल से बाहर निकले, मतलब वो अपनी मौत को छूकर बाहर निकले। परंतु आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको चौंका देने वाला है। खतरों से भरे एडवेंचर के शौकीन रखने वाले बॉबी एक दिन अपने गार्डन में घूमते हुए ऑरेंज खा रहे थे, तभी उनका पैर संतरे के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गई। आप यह सुनकर चकित रह जाएंगे
कि उनके संतरे के छिलके से गिरने पर उनके पैरों की दोनों नीज और जॉ फ्रैक्चर हो गए और इसके चलते उन्हें 6 महीने हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। वे नियाग्रा फॉल में गिरकर भी जीवित बच गए, परंतु एक संतरे के छिलके ने उन्हें करीब 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो से अपडेट रहें।